उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि दी। कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेता और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। रामपुर तिराहा कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो भी सपने थे, उनके अनुरूप आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमें शहीदों के सपनों को पूरा करना है। ठीक है सर, आज शहीद स्मारक देखिए, हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड, उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। और उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है, और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से वीर सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।